मुसीबत है। संभल के लड़की संभल के। वैसे इस वक्त जा कहाँ रही है तू, और वो भी अकेली? मैं नॉवल लेने जा रही हूँ। आपकी शहजादी को हजार बार बोला है मगर उसे बर्तन धोने से फुर्सत ही कहाँ। अच्छा लगा लो अम्मा से मेरी शिकायत है। तुम कौन सा हदीस लेने जा रही हो जो तुम्हारे साथ जाऊंगी? हाँ तुम तो जब भी बाहर जाना हदीस लेने के लिए जाना। खैर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़ अम्मा। अरे अम्मा देखा आपने अपनी शहजादी को? नॉवल पढ़ पढ़ के खुद को हीरोइन समझना शुरू हो गई है नॉवल की। अल्लाह ही से हिदायत है, कामचोर और जिद्दी होती जा रही है। तो अपने मौलवी साहब की बेटी है। हाँ वही है। मौलवी साहब तो मस्जिद में दीन की बातें कर रहे थे, यहाँ तो बेटी आशिकाना नावल पढ़ रही है। अबे इसी उम्र में तो आशिकाना नावल पढ़ते हैं, बुढ़ापे में थोड़ी पढ़ेगी कोई। अब तो है किसी भाई। आज आप इतनी जल्दी आ गए? मेरी नौकरी चली गई सभा की माँ, उन्होंने इस महीने की तनख्वाह देकर माजरत कर ली है, थोड़े से पैसे ही बचे। आप परेशान ना हो, अगर आपको कुछ हो गया तो। सभा सभा अब इससे ज्यादा क्या होगा। क्या हुआ अब्बा? कोई मुझे बस ये बात समझा दे कि अल्लाह सिर्फ गरीबों को मुसीबत में क्यों डालता है। अल्लाह से शिकवा नहीं करते। अल्लाह अगर मुसीबत देता है तो उससे गुजरने का हौसला भी देता है और फिर मुसीबत टाल भी देता है। नहीं है मुझे बुढ़े में और हौसला, ये थोड़े से पैसे कब तक चलेंगे? हम चार खाने वाले और कमाने वाला कोई नहीं। अब्बा मैं और हिरा नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। अल्लाह ने वादा किया है ना रिस्क देने का, वो जरूर देगा। जा रहा हूँ मैं मस्जिद, उसी से सजदे में गिर के मदद मांगूंगा जिसने मुसीबत में डालना है। तुम मुझे हंसती भी बहुत अच्छी लगती हो। बाय द वे तुम तो आज तोहफा शोफा लाने वाले थे। अपनी तारीफ से घबराती हो क्या तुम? नहीं डरती हूँ, कहीं तुम भी तारीफ करने के बाद लूटने वालों में से तो नहीं। मेरा आज का गिफ्ट तुम्हें इस बात की यकीन दहानी करा देगा कि लुटेरा नहीं। वाओ थैंक यू सो मच असद। वेलकम। कितने खूबसूरत रहेंगे, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की कि तुमने मुझे सुहाग की अलामत तोहफे में दी। वेल मैं ये तोहफा तुम्हें अलामत के तौर पे नहीं दे रहा हूँ,
यकीन के तौर पर। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे पालोगे? 100% जैसा अपनी सांसों के चलने का यकीन होता है कि मैं जिंदा हूँ। ये मोहब्बत करने वाले भी कितने अजीब होते हैं ना, शादी से पहले कैसे कैसे दावे करते हैं, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। नहीं, मैं दावे नहीं करता, मैं सच में शादी के बाद ही नहीं उनके मर के भी तुम्हें पहुंचा। कभी कभार तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत से मैं घबरा जाती हूँ। क्यों? क्योंकि शदीद प्यार करने वालों को वो अक्सर मिलने नहीं देते। ऐसी बातें कर रही हो, क्या खाओगी? अम्मी इसको छोड़े ना, मेरी बात सुने ना, आप प्लीज एक बार उससे मिल लें, आपको बिल्कुल वैसी लगेगी जैसी आपकी बहू होनी चाहिए। वो सच में बहुत प्यारी है, वो इतना अच्छा बोलती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतनी तारीफें अच्छी नहीं, तुम भी नौजवान हो और तुम्हें इन लड़कियों की अदा फरेबी का अंदाजा ही नहीं है बेटा। शुरू शुरू में तो ये बिल्कुल ऐसा तासुर देती ना कि जैसे बिल्कुल वो ही हैं जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हारी आइडियल बन जाती, और जब मर्द उन पर लट्टू हो जाते हैं तो फिर उंगलियों पर नचाती हैं, ये याद रखना। कमाल है अम्मी, आपने भी बिल्कुल फिल्मी सासों वाली बातें सोची हुई हैं, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो आपका इतना ख्याल रखेगी कि आप खुश हो जाएंगे, आपकी इतनी खिदमत किया करेगी, वो आपके पैर दबाया करेगी, आपके सर में तेल डाला करेगी, वो आपको दवा टाइम पे दिया करेगी, आप जो बोलेंगी वो करेगी। सोच लो बेटा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो मेरे मेयार पे उतरेगी, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो बस मेरी खिदमत करे। तो करेगी ना आपकी खिदमत, वो आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं हूं ना अम्मी, आप प्लीज एक बार उनके घर तो जाइए, मिल तो नहीं उन लोगों से? अच्छा ना, मिल लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें भाई। देखो मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ कमरे में, और तुम भी जाके सो जाओ, ठीक है? अरे अल्लाह, मौलवी साहब आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? इंसान को अपने सोने जागने पर इख्तियार ही कहाँ हासिल है, सब कुछ तो हालात से जुड़ा हुआ है। हालात अच्छे हों तो जागती आंखों में भी नींद को सुकून रहता है। आप इतना क्यों सोचते, जब रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है। हालात से परेशानी होती है, दो जवान बेटियों का बोझ, फिर घर के अखराजात, समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। आप खुद ही तो दर्द देते हैं और आप ही की समझ में नहीं आ रहा कि जिसने पैदा किया है उसने रिस्क लेने का वादा भी किया है, फिर आप उसकी रहमत से क्यों मायूस हैं? उसी की रहमत पर तो भरोसा है। भरोसा है तो फिर जाग क्यों रहे और क्या सोच रहे हैं? इंसान का सोचना उसके इंसान होने की दलील है, और फिर सोच विचार तो सुन्नत है। मायूसी गुनाह है, और ज्यादा सोचना उसकी रहमत से मायूस होना है। आप मायूस ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें और सो जाएं। असद इस वक्त मैं तुमसे एक पर्सनली मिन्नत करने के लिए आई हूँ, प्लीज तुम ये सारी दूरियां खत्म कर दो। हीरा, आई प्रॉमिस, मैंने अम्मी से बात की थी, वो चाहने के बावजूद भी नहीं जा सकी फॉर सम रीजन। हाँ तो ठीक है ना, मैं कल ही तो पहुंचा हूँ अभी।
तुम्हें बताया तो था मैंने कि कुछ दिनों के लिए आ रहा हूँ। हाँ तो जब चाहे प्लान बना लो। शो कमिंग सैटरडे वुड बी फाइन। या डन, बस मुझे टेक्स्ट कर देना। सी यू, बाय। प्लीज भाई सीरियस हो जाओ, बस कर दो अब। तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला एक इंसान एक लड़की के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? हाँ इश्क है बहुत गजब की चीज अगर वीकली बेसिस पे हो। अच्छा इश्क वीकली बेसिस पे नहीं होता भाई, वो टाइम पास होता है। यू नो व्हाट, इस तरह दूसरा इंसान भी टाइम पास ही कर रहा होता है आपके साथ। अच्छा चलो तुम मेरे वीकली इश्क को छोड़ो और अपने बारे में बताओ, क्या रहा? क्या बताऊं यार, मम्मी से इतनी बार कहा है, समझती नहीं है बात को। जब हीरा की बात स्टार्ट करता हूँ टाल जाती बात। हाँ तो यही सोच रही होंगी ना कि शायद तुम सुधर जाओ। सीरियस भाई, आप जानते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ वो तो है। एक सेकेंड ना, आई लव यू टू। भाई आप बात करें ना मुझसे, मैं जानता हूँ मैं आपकी तरह कायल नहीं कर सकता उन्हें। इनफैक्ट मैं बात स्टार्ट करता हूँ तो हीरा की तारीफें करना शुरू कर देता हूँ, वो कुछ और समझने लगती हैं। रियली? क्या? यही कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया हुआ है और मैं शादी के बाद जन मुरीद, यू नो ये जोरू का गुलाम वगैरह बन जाऊँगा। बाय द वे, शादी के बाद ऑप्शन भी तो दो ही रह जाते हैं, या तो जन मुरीद या फिर रंडवा। तुमने क्या बना? मेरी शादी तो जाने दें आप। बस तो फिर समझो हो गई। जाने से पहले इस दफा अम्मी से बात करके जाऊंगा ताकि वहीं रिश्ता तय करें जहां तुम चाहो। थैंक यू भाई। अब मैं कॉल कर सकता हूं? थैंक यू। हेलो हेड मॉम, आप क्यों नहीं समझती मेरी जिंदगी का एक अलग पैटर्न है। मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। अरे तो तुम्हारी कौन सी उम्र होगी जिम्मेदारियां उठाने की, मुझे बताओ। तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो। पापा जिम्मेदारियों की नहीं है, मुझसे ये बंदिशें नहीं बर्दाश्त होती। मैं आजाद पंछी की तरह रहना चाहता हूँ ताकि जब दिल चाहे कहीं भी जा सकूं बगैर किसी रोक टोक के। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो शादी करना चाहता है आप उसको टला रही हैं और जो नहीं करना चाहता उस पर क्यों इंसिस्ट कर रही हैं आप? तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? उसूलन तो पहले तुम्हारी होनी चाहिए ना शादी। आप उसूलों को छोड़ें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जहां वो शादी करना चाहता है आप वहां रिश्ता लेकर क्यों नहीं जा रही हैं। और फिर आप अपनी सेहत भी तो देखिए, नहीं ठीक रहती है। यू नीड समबडी हियर। मैं यहां नहीं होता हूं, मैं इस्लामाबाद होता हूं। असद अपना काम करता है। एक तुम्हें एक औरत होनी चाहिए आपकी देखभाल के लिए। ठीक कह रहे हो बेटा तुम, आजकल तो मेरी तबीयत वाकई में बहुत खराब है। ये जो सीधा पाँव है ना, ये तो बिल्कुल सुन होके रह गया है। अब मैं बाम की और तेल की मालिश करूंगी, फिर जरा कुछ बेहतर हो जाएगा। सी, अब ये बाम और तेल की मालिश हम तो नहीं कर सकते ना आपकी, उसके लिए किसी लड़की का होना जरूरी है, चाहे बहू हो चाहे बेटी। अब बेटी तो है नहीं, रहेगी बहू, तो प्लीज उसे ले आए आप जहाँ असर चाहते। ठीक कह रहे हो तुम बेटा, कौन सी अगर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी तो तुम अपने दुल्हन को यहाँ रखोगे? भाई जहाँ तुम्हारी जॉब है तुम अपने साथ लेके चले जाओ। सी कितना वैलिड पॉइंट आपने रेस किया असद, इसका मतलब है शादी असद की पक्की। मैं उसे बता कर आया। ठीक है, मैं असद की शादी पहले कर दूंगी। हीरा देखना जरा दरवाजे पे कौन है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हाय रहने दो, मोहल्ले से कोई आ गया होगा अब्बा की तबीयत पूछने के लिए, वैसे ही भी अब्बा आराम कर रहे हैं। तो यही बोल देना ना जाके। मैं क्यों बोल दूंगा, खुद ही चली जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा ऐसा है कि मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ, भटकते भटकते बहुत थक गई हूँ।
सख्त प्यास लगी हुई, अगर आप गिलास पानी पिला दें तो बहुत। जी जरूर, आप अंदर आइए। अरे बेटा, आजकल के जमाने में तो कोई भी किसी अजनबी को अपने घर में दाखिल होने को ऐसे नहीं करता है। आप मुझे यहीं पानी पिला दें। आंटी, आप शक्ल से ही बहुत नेक खातून लगती हैं, और वैसे भी अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। आप अंदर आइए। अरे बेटा, तुम तो ये तकल्लुफ कर तुम भी शर्मिंदा कर रही हो। आइए। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या मसला आप ही? पढ़ रही हूँ ना मैं। तुम्हें पता नहीं है किसके सामने क्या बात करनी चाहिए? तुम्हें है ना, बस ये बहुत है। क्या हुआ बेटा? आंटी कुछ नहीं, बस एक मिनट अभी लाई। कुछ नहीं आंटी। ये लीजिए आंटी। तुम्हें एक एक मिनट आंटी। अपने हुलिये के हिसाब से तो यही हिरण लगती है। ये लीजिए। अरे बेटा, पानी काफी था, तुम कहाँ तकल्लुफ पे तकल्लुफ कर रही हो? ये सब तो इखलाक सिखाता है, तकल्लुफ की क्या बात है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। हिरा, जाओ जाकर सालन देखो। आप ही, तुम्हें पता है ना क्लिंजिंग की है मैंने, मैं चूल्हे के सामने नहीं जा सकती। तुम भी क्लिंजिंग की है, मुझे पता है, मैंने सालन खुद बना लिया था, इसलिए उठो जाओ। तुम भी ना हिटलर बन जाती हो जान को, पीछे पड़ गई मेरे चूल्हे के सामने जाओ। आंटी पीछे ना। हाँ बेटा, मैं पी रही हूँ। ये नखरीली कौन है? ये मेरी छोटी बहन है, हमने इसे बहुत प्यार से रखा है। आंटी बर्फ डाल दूँ आपको? नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैं चल। अरे आंटी, आप आराम से बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है, मैं आपको रक्षा मंगवा दूँ? नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम एक काम करो, बच्चे खाने में जाके हंडिया देख लो कि जल ना जाए। अच्छा ओके बेटा, खुदा हाफिज़। खुश रहो। वाह आसद बेटा, क्या नवाबजादी पसंद की है। इसके सामने तो अगर मैं बीमार पड़ गई तो ये तो मुझे कफन लपेट देगी। अरे बेटा, मैंने देख ली तुम्हारी पसंद, अब तुम मेरा इंतखाब देखना। What's up, baby? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? खुश, बल्कि बहुत खुश। खुश तो तुम भी होगी, मेरी मोहब्बत पर इतबार जो हो गया होगा तुम। मोहब्बत पे मुझे तुम्हारी हमेशा से एतबार है, लेकिन तुम आज क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ ऐसा? अरे अम्मी गई थी ना तुम्हारे घर प्रपोजल लेकर। What? तुम्हारी मॉम मेरे घर आई थी? एक मिनट एक मिनट, अगर ऐसा कुछ होता ना तो मुझे पता चल जाता। हमारे घर तो आज कोई आया ही नहीं। क्या मतलब? Are you sure वो नहीं आई? तुम घर पे नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं तो घर पे ही थी। तुम्हें पता है मुझे इतना इंटरेस्टिंग नॉवल मिला था, मैंने पूरा पढ़ा है। अच्छा, अम्मी ने मुझसे खुद कहा था कि वो जाएंगी आज। हाय, तो बात ये है, अब तुम बहाने बनाने पर उतर आए हो, राइट? मेरी बात सुनो, अगर तुम ये बहाना बनाते ना कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो ये कुछ दिन तो चल जाता, लेकिन जो बात तुम मुझसे कर रहे हो ये तो फौरन पता चल जाने वाली बात है। क्या हो गया तुम्हें? हिरा, मैं तुमसे इतनी छोटी सी बात पे झूठ बोलूंगा क्या? I'm serious. अच्छा चलो, हो सकता है अम्मी आज ना गई हो, लेकिन वो
और मैं अब तुमसे तभी बात करूंगा फिर मेरी अम्मी मुझे आकर बता देंगी कि तुम लोगों ने हाँ कर दी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। जीते रहो। नाश्ता करो बेटा। जी क्या हुआ, कल रात आपने पेन किलर खाई थी, पैरों का दर्द ठीक हुआ आपके? अरे बेटा बिल्कुल नहीं ठीक हुआ, देखो मैंने ये चादर डाली हुई है, मेरे तो पैर लग रहा है जैसे बिल्कुल शल हो गए, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां चुभ रहा हो। अभी तो सर्दियां आई भी नहीं, मैं सोचती सर्दियां आ जाएंगी तो क्या हाल होगा। इसीलिए कहता हूँ कि मेरी शादी कर दें और इस घर में बहू ले आइए। वो कल आप गई थी हीरा के घर? नहीं बेटा, वो असल में मेरी जरा तबीयत खराब थी, लेकिन एक दो रोज में मैं चली जाऊंगी। एटलीस्ट कोई बात तो करो मुझसे। कम ऑन हीरा। हीरा थैंक यू। मूड खराब करने वाली क्या बात है यार, मेरा क्या कसूर है? मैंने सोचा कि हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम खुश होगी मैं खुश होऊंगा, हम ढेर सारी बातें करेंगे। ऐसे ही था, मगर आते हुए आप ही ने मेरा मूड खराब कर दिया। असद इस तक मैं तुमसे एक पर्सनली मिन्नत करने के लिए आई हूँ, प्लीज तुम ये सारी दुनिया खत्म कर दो। हीरा आई प्रॉमिस, मैंने अम्मी से बात की थी, वो चाहने के बावजूद भी नहीं जा सकी फॉर सम रीजन। जैसे जैसे वह गुजरता जा रहा मेरे दिल में अंदेशे घर करने लगते हैं। क्यों, तुम भरोसा नहीं है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा है। तो बस ये सारे अंदेशे ये सारी परेशानियां अपने जहन से निकाल दो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब कुछ ऑर्डर कर ले, एटलीस्ट स्माइल ही कर देता है बंदा यार। वेटर। आंटी आप आज अंदर आने को नहीं कहोगी? आंटी जी आइए। क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। मैंने जिस लड़की को पसंद किया है तुम उससे शादी करो, क्योंकि मुझे इस घर के लिए बहू चाहिए। महारानी ने उसी को चाहे जो मेरी मांग है। आंटी आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। अम्मा मैं पहचानती हूँ, आंटी कुछ दिन पहले घर का एड्रेस पूछते हुए आ गई थी यहाँ। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। अब आपका आना कैसे हुआ? असल बात तो ये कि जब मैं आपके घर आई थी तो इस बच्ची के खुलूस से मैं बहुत मुतासिर हुई थी। कल मेरे यहाँ मिलाद है, ये बच्ची मुझे याद आई तो मैं आप लोगों को दावत देने आ गई। बच्चों की अच्छी परवरिश करना तो हर माँ का फर्ज होता है, आप इससे मुतासिर हुए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतनी दूर आके दावत देने की जहमत क्यों की आपने? असल बात तो ये है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। आप आराम से बैठे ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ बेटे चाय बना कर लो, और हाँ बिस्किट भी लेकर आना। बस मैं ये देखना चाह रही थी कि जब बेटी ऐसी है तो माँ कैसी होगी। लेकिन आखिर आप क्यों देखना चाह रही थी मुझे ये तो बताइए। अरे बहन बात करने से तो बात बनती है ना,
भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। कल हमारे यहाँ मिलाद है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं, बच्ची को भी साथ लेकर आएं, आप भी हमारे घर वालों को देखें, हमारे घर को देखें, इसी तरह से तो जान पहचान बढ़ती है। जी जी बिल्कुल जरूर, बड़ी खुशी होगी हमें अगर आप आई तो। हेरा को फोन करके बता, मगर नहीं, अम्मी आकर खुशखबरी सुना दें तभी फोन करूंगा। अब तक तो अम्मी वहां पहुंच भी चुकी होंगी। अरे आप चाय लीजिए ना, ठंडी होगी। देखिए बहन, हम चाय को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप हमारी लाई हुई मिठाई से मुंह नहीं मीठा करेंगे और हमारी मिठाई को कबूल नहीं करेंगे। ऐसे कैसे कबूल कर लें बहन? अब रिश्तों नातों के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, हम ऐसे कैसे हाँ कर दें जब तक अपनी तसल्ली ना कर लें? अरे भाई साहब, आप तसल्ली जरूर कीजिए। आपकी बेगम माशाल्लाह मेरा घर भी देख चुकी है, मेरे बेटे से भी मिल चुकी है। अगर आप मिलना चाहें तो मैं फौरन ला के उसको आपसे मिलवा दूंगी, लेकिन बस एक बात है, हमें हाँ चाहिए बस। देखिए बहन, ये रिश्तों के सिलसिले में जल्दी या जल्दबाजी ना बेटी वालों के लिए अच्छी होती है और ना ही बेटे वालों के लिए। ये ठीक है कि बेटियां पराया धन हैं, मगर बेटियां प्यारी भी तो बहुत होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दें। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी आपकी दौलत है ना, तो कौन शख्स नहीं चाहता कि दौलत को अपने घर जल्दी से ले जाए। सबा बेटी हमारे घर आ जाएगी तो हमारा साया साया करता हुआ घर ना उसमें भी रौनक आ जाएगी। बेशक आपने ठीक कहा कि बेटियां हमारी दौलत हैं, लेकिन दौलत ले जाइए रजामंदी के साथ, लूटने की इजाजत हम नहीं देंगे। नहीं नहीं, आप सबकी रजामंदी से ही हम अपनी बेटी लेकर जाएंगे। देखो पानी में कि वो पानी पानी हो गई है। आहिस्ता बोलो, और नहीं तो क्या, देखो ना कितनी तेज है। बहाने से महलाज शरीफ में बुलाया, अपना घर दिखाया और बेटे को भी। वैसे ये तो बताओ उनका बेटा दिखता कैसे? ओहो, इसका मतलब है हमारे होने वाले दूल्हा भाई काफी हैंडसम है। नहीं चुप करो, अभी से दूल्हा भाई। क्या चुप करो, क्यों शर्मा रही हूँ मुझसे? सच बताओ ना। वैसे मैं बताऊ, तुम्हारे दिल में हाँ है। हटो। ए, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बल बैठा है। आप बिल्कुल ही पागल है। पांच बज गए, असद की अम्मी अब तक नहीं आई। रिश्ता आना था मेरा और आगे आप ही का, क्या पता 6:30 तक ही आ जाए। क्या रहा? अरे ना सलाम ना दुआ, क्या रहा? सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंतजार कर रहा था ना काफी देर से, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। क्या कहा आपके घर वालों ने, हाँ किया नहीं? हीरा कैसी लगी आपको? पगले तुझे क्या हो गया, लड़की वाले इतनी जल्दी हाँ नहीं करते हैं, इसके लिए बाकायदा जूतियाँ घिसनी पड़ती हैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। थैंक यू अम्मी। आज मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दिल का हाल पूछूंगा। कुछ हौसला हार गई हूँ, मजीद अंदेशों में गिर गई हूँ और तुम पे से भी एतबार उठता सा जा रहा है। अब प्लीज ये मत कहना कि मेरी अम्मी आज भी नहीं आई थी। हाँ नहीं तो और क्या, नहीं आई ना तुम्हारी मॉम। और देखो प्लीज, हमेशा की तरह आज कोई बहाना मत करना। हीरा अब तुम मुझे हर्ट कर रही हो, मेरी अम्मी अभी अभी तुम्हारे घर से होकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर वाले मुझे देखने आने वाले हैं। अब क्या बकवास कर रहे हो तुम, जब कोई रिश्ता ही नहीं आया तो? तुम क्या बकवास कर रही हो, अच्छा खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम? वाकई कोई नहीं आया? आया था,
आप ही का रिश्ता आया था मगर तुम्हारे घर से मेरे लिए कोई भी नहीं आया। अच्छा मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ करता हूँ बात अभी। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो खुद बता दें आप। उस पर कोई इल्हामी कैफियत नहीं तारी होती। जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब दूंगी। अम्मी आप वहाँ किसका रिश्ता लेने गई थी? उस लड़की का जिसे मैंने पसंद किया। अम्मी मैंने आपको उस लड़की का रिश्ता मांगने को कहा था जो मुझे पसंद आई थी यार। देखो उस लड़की के लिए किसी महाराजा का रिश्ता आने दो। मैंने जिस लड़की को पसंद किया है तुम उससे शादी करो क्योंकि मुझे इस घर के लिए बहू चाहिए। महारानी ने समझा नहीं। अरे वो लड़की वो तो अव्वल दर्जे की निकम्मी फुहड़ और इमेच्योर भी है। ये आप कैसे कह सकती हैं? ऐसे कह सकती हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनको परखा है। अरे उस दिन मैं एक अनजान औरत बनकर गई थी उनके घर में कि जाके उनकी असलियत देख लूं। अरे हाँ वो लड़की जिसका तुम क्या नाम बता रहे हो हीरा उसको तो बड़े छोटे से बात करने की तमीज नहीं है। सारे वक्त लेटी हुई बस नॉवल पढ़ती रही। उसको पता नहीं होगा ना कि वो आप हैं मेरी अम्मी हैं आप। बेटा यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं असद की माँ बनकर जाती ना तो वो लड़की अपने अच्छे इखलाक का नमूना पेश करती और मैं उसकी मुतकिद बन जाती। उसे पता नहीं था ना इसीलिए अपनी असलियत में आ गई। और जो उसकी बड़ी बहन थी उसके लिए भी तो मैं अनजान थी। लेकिन भाई क्या लड़की थी तुम यकीन मानो जो अच्छी बच्ची में जो खसूसियात होनी चाहिए वो उस बच्ची में थी। इसीलिए मैंने उसे पसंद किया उसका रिश्ता देख आई। जो कुछ मुझे चाहिए वो सब कुछ हीरा में है उसकी बड़ी बहन में नहीं है। बेटा देखो जो मुझे चाहिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी लेकिन एक बात सुनो तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद वो रहेगी तो मेरे ही साथ ना घर में। मगर ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं ना वो शौहर के ऑफिस जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने निकल जाती हैं। और अगर तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला शौहर मिल जाए तो फिर वो सास की जूतियों में दाल बांटती है। नहीं नहीं मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हीरा के बारे में आपको गलतफहमी हो रही है। मेरा बच्चा गलत फहमी तो उसके बारे में तुम्हें हो रही है। देखो बेटा ना तुम खुश रह सकोगे ना मैं। मुझ बीमार पे तो वो कफन डाल देगी। जो लड़की एक गिलास पानी ना पिला सके वो मेरी खिदमत क्या करेगी। सब फोन क्यों नहीं उठा रहा? कई बार फोन कर चुकी हूँ सारा दिन गुजर गया। ना उनकी अम्मा रिश्ता लेकर आई और ना ही असद ने खुद फोन किया। यही हो सकता है कि अम्मा राजी ना हो और इसी शर्मिंदगी की वजह से वो मुझे फोन नहीं कर रहे और ना ही फोन पिक कर रहे। ऐसे ये तो मैं सोच भी नहीं सकती कि असद मुझसे झूठ बोल रहे। बड़े वक्त पे इमामत मिली है तुम्हारे अब्बा को। कम से कम तुम्हें चार जोड़े देकर रुख्सत तो कर सकते हैं। थक गई होगी बेटा बस कर। नहीं अम्मी नहीं थकी। थक जाऊंगी तो जाके सो जाऊंगी। मतलब बताओ मैं तो भूल ही गई तुम्हें एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया था और तू दबाने बैठ गई। क्या जरूरी बात? तेरे अब्बा जो है ना उस रिश्ते के लिए हाँ करने को कह रहे थे और मैंने तुमसे पूछे बगैर उन्हें हाँ कर दिए। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जैसे आप लोगों की मर्जी। पर अम्मा घर के हालात। असद की अम्मी ने ना जहेज मांगा है और ना ही कोई और खर्चे की बात। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि असद को ला के तुम्हारे अब्बू से मिलवा दे तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा बात पक्की होते ही मैं मंगनी की अंगूठी पहना दूंगी
और 15-20 दिन में शादी। इतनी जल्दी अम्मा? और मंगनी भी कल ही? अल्लाह का शुक्र है। हीरा जल्दी करो, इतनी देर हो गई है। और कितनी जल्दी करूं अम्मा, सुबह से तो मैं घर की सफाइयां कर रही हूं, अभी भी दुल्हा वाले आके बैठे, मैंने दुल्हा को भी नहीं देखा है। ओहो, मंगनी की रस्म होने वाली है, देख लेना दुल्हा भाई को भी। पता, मैं चाय में नमक डाल के पिलाऊंगी दुल्हा भाई को, देखना चिढ़ जाएंगे, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं सकेंगे मुझे। खबरदार, ये छिछोरेपन करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें छिछोरे पन वाली क्या बात है भाई, हर साल ही अपनी बहनोई के साथ यही शरारतें तो करती है। भाभी आप यहाँ खड़ी हुई है, बाहर सारे मामला तय हो गए, सभा को लेकर जल्दी बाहर आएंगे। अच्छा तुम ऐसा करो, ये सब चीजें लेकर आओ, और आरफा तुम चाय डाल लो इसमें और ट्रेन ले जाओ। अच्छा, मैं सभा को लेकर आऊँ। अच्छा ठीक। ये आ गई आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी बेटी है। आ बेटा तुम मेरे पास बैठो। बैठे। हाँ भाई लाइबा, कैसी लगी अपनी भाभी? बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बहुत प्यारी है दोनों। का घूंघट उठा रहे होंगे, आप ये मुस्कुरा कर शर्मा कर मैं देख रही हूं। कह दीजिए जो आपके दिल में। तो फिर सुनिए मिस सबा, आप मेरा समझौता बन के इस घर में आई हैं।